हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग लेकर आए, अगर बात करते हैं उस मकान की साइज की, तो यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास मकान की चौड़ाई है वो हमारे पास है कि 28 फिट 28 फिट हमारे पास मकान की विड्थ है। और अगर मकान की लंबाई की बात करते हैं तो यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक यहाँ पर हमारे पास है 45 फिट 9 इंच, और इसके अलावा हमारे पास 5 फिट सामने की तरफ पोर्च अलग है। तो आप इसको लगभग 28 फिट बाई 50 फिट के अंदर ये आप मकान मान सकते हो, और इस मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामने 5 फिट बाई 14 फिट का यहाँ पर पोर्च है, यहाँ पर आपके 4 पिलर खड़े हो जाएंगे। पोर्च के जैसे सामने हमारे पास है घर का मेन डोर 4 फिट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं, इस तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3.5 फिट का दरवाज़ा, और ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है जिसकी हमारे पास आई है 10 फिट बाई 12 फिट, जिसकी एक 4 फिट की विंडो सामने और एक 4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। और इस बेडरूम के सीधा सामने चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फिट का दरवाज़ा, और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम है जिसकी हमारे पास आई है 10 फिट बाई 12 फिट, जिसकी एक 4 फिट की विंडो सामने और एक 4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते हैं, सीधा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास स्टेयर, यहाँ सब करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, और 3.5 फिट बाई 7 फिट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 फिट का दरवाज़ा कॉमन बाथरूम है जिसकी हमारे पास आई है 5 फिट बाई 7 फिट। कॉमन बाथरूम से बाहर आते हैं, सीधा आगे चलते हैं, तो हम एंटर होते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फिट बाई 15 फिट 9 इंच, जिसकी 4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। और इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2.5 फिट का दरवाज़ा कॉमन WC है जिसकी हमारे पास साइज है 4.5 फिट बाई 7 फिट, और इसका 2 फिट का वेंटिलेशन यहाँ पर निकल रहा है। डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फिट का दरवाज़ा, और ये हमारा किचन है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 11 फिट, और इसकी 4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। किचन से बाहर आते थे यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फिट का दरवाज़ा, और ये हमारा घर का तीसरा बेडरूम है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 12 फिट, इसकी 4 फिट की विंडो भी पीछे निकल रही है। और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फिट का दरवाज़ा, अटैच टॉयलेट है जिसकी हमारे पास साइज है 5 फिट बाई 12 फिट, और इसका 2 फिट का वेंटिलेशन भी पीछे निकल रहा है। अब इस बेडरूम से बाहर आते थे यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके जस्ट पास में यहाँ पर 3.5 फिट का दरवाज़ा, और ये हमारा घर का चौथा बेडरूम है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 12 फिट, जिसकी एक 4 फिट की विंडो यहाँ पर और एक 4 फिट की विंडो पीछे निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको एक साथ ही कहता हूँ, तो 28 फिट हमारे पास मकान की चौड़ाई है और 50 फिट हमारे पास मकान की लंबाई रहेगी। यहाँ पर हमारे पास है सामने की तरफ पोर्च, ये रहेगा घर का मेन डोर, सामने की तरफ हमारे पास 2 बेडरूम है, यहाँ पर रहेगा स्टेयर, कॉमन बाथरूम, कॉमन WC, डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर रहेगा किचन, यहाँ पर पीछे की साइड 2 बेडरूम है, और एक बेडरूम के यहाँ पर अटैच टॉयलेट है। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिज़ाइन का इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।